नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रॉन। तो अमेज़ॉन ने उनका फी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किया है। उन्होंने कुछ कैटेगरीज में उनका चार्जेस कम किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मतलब कौन सी कैटेगरी में कितना उन्होंने चार्जेस कम किया है और क्यों किया है, वो सभी डिटेल्स आपको मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, मैं यहाँ अब अमेज़ॉन सर्विसेस उनका पेज पे हूँ। इस वेब पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने कैटेगरी मेंशन किया है और यहाँ टिल 31 दिसंबर 2019 और यहाँ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2020। तो 31 दिसंबर तक कितना फीस था, कितना परसेंटेज था और 1 जनवरी से कितना हुआ है और यहाँ कैटेगरी सभी डिटेल्स उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ जैसा आप देख रहे हैं, फैशन सैंडल्स एंड फ्लोटर्स और किड्स फुटवेयर में 5% उन्होंने कम किया है और इसी तरह कई सारा कैटेगरीज है। तो मैं सारा कैटेगरीज बोल के मैं आपको बोर नहीं करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पावर बैंक्स जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में है और उसका चार्ज था 21% 31 दिसंबर 2019 तक और अब जनवरी 1, 2020 से 18% हुआ है। तो ये फीस ऑलरेडी लग चुका है। और यहाँ लग्जरी एंड ब्यूटी, तो ब्यूटी कैटेगरी का पहले 14% था, अब 9% हुआ है। और यहाँ टेबल 2 में FBA वेट हैंडलिंग फी, तो यहाँ ओवरसाइज का फी उन्होंने मेंशन किया है। ओवरसाइज मतलब अमेज़न का कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब इतना डायमेंशन और इतना वेट। अगर आपके प्रोडक्ट उतना वेट या उतना डायमेंशन से ज़्यादा होता है तो वो ओवरसाइज प्रोडक्ट कंसिडर कर लिया जाएगा और उसके लिए कुछ फीस ज़्यादा रहता है स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट से। तो 31 दिसंबर 2019 तक लोकल, तो ये शिपिंग फीस हमेशा 3 टाइप से डिवाइड कर लिया जाता है, लोकल, रीजनल और नेशनल। लोकल मतलब सपोज FBA, सपोज मेरे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मेरा FBA वेरोज बेंगलुरु पे है। तो अगर कोई पर्सन बेंगलुरु में परचेस करता है तो 71 रुपीज़ चार्ज होता है अगर मेरा ओवरसीज प्रोडक्ट है। रीजनल मतलब अगर कर्नाटका में परचेस करते हैं, क्योंकि मेरा स्टेट कर्नाटका है, तो 86 चार्ज। और 136 मतलब अगर कोई बाहर स्टेट, मतलब पंजाब, मध्य प्रदेश, तो वहाँ से खरीदते हैं तो 136 चार्ज करते थे 31 दिसंबर तक। पर अब उनके नया फी स्ट्रक्चर में, तो यहाँ आप देख सकते हैं 71 था पहले, अब 67, 82 और 132, तो बहुत ही कम किया है। और यहाँ इजी शिप वेट हैंडलिंग फी, तो इजी शिप में इजी शिप नहीं यूज़ करता हूँ। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखते हैं तो मैं प्राइवेट लेबलिंग करता हूँ और मैं सिर्फ FBA के थ्रू ही सेल करता हूँ। और इजी शिप के लिए भी आप देख सकते हैं बहुत ही उनका प्राइस कम कर दिया है। और पहले से ही अमेज़ॉन का प्राइस कम था, उन्होंने 2018 पे भी एक बार कम किया था इन सारा फीस, तो अब और भी कम कर दिया है। तो ये क्यों कर दिया है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ये है दोस्तों, दिखने में ये फीस छोटा लगता है क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 71 से 67, मतलब 4 रुपीज़ कम है। पर अगर आपको ऑर्डर्स 500 या उससे ज़्यादा आता है पर मंथ के लिए, तो ये फीस आपके प्रॉफिट में सिग्निफिकेंटली ऐड हो जाएगा, मतलब लाखों प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है अगर आप पहले फीस से कंसिडर करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं क्लोजिंग फ़ी, तो फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी पे भी कुछ चेंजेस किया है। तो मैं इस वेब पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप एक बार आकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको क्यों अमेज़न ने फीस कम कर दिया है वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ टोटल रिटेल सेल्स मैंने ओपन किया है। तो मैंने फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ई कॉमर्स का रिटेल सेल्स हर साल बढ़ रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं 2019 तक कितना हुआ था और प्रिडिक्शन भी देख सकते हैं 2020 से 2022 तक कितना होगा। और ये स्टैटिस्टिक्स ना सिर्फ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के लिए है, ये सभी ऑनलाइन इंडस्ट्री के लिए है, मतलब फॉर एग्जांपल ओला हुआ, उबर हुआ, जोमेटो और ओयो, तो वो सभी इंडस्ट्री या बिजनेसेस जो ऑनलाइन में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका रिटेल सेल्स अभी 2020 या उससे आगे बढ़ने वाला है। तो ऑब्वियसली कितना इंटरनेट सभी लोगों को अवेलेबल होता जाएगा तो उसका असर ई कॉमर्स पे भी पड़ने वाला है और 2020 में डिमांड ज़्यादा होने वाला है। जैसा ई कॉमर्स में बायर्स ज़्यादा होते जाएंगे तो उसका डिमांड फुलफिल करने के लिए सेलर्स को भी ज्वाइन होना पड़ता है। और अभी इंडिया में आप देख सकते हैं कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अमेज़ॉन के अलावा, और पिछले साल 2019 में ही कुछ नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है। तो इसीलिए अमेज़ॉन चाहता है कि सारा सेलर्स उनके प्लेटफॉर्म में ही सेल करें। और अमेज़ॉन भी अभी 13 डिफरेंट कंट्रीज़ में एग्जिस्ट होते हैं
पर उन्होंने सिर्फ फीस का चेंज इंडिया में ही किया है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा है। जो अमेजोन प्रॉफिट करेगा 4 डिफरेंट कंट्रीज में एग्जिस्ट होके, तो उतना प्रॉफिट सिर्फ इंडिया में ही कर सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में। तो इसी कारण अमेजोन ने इतना फीस कम कर लिया है, और इससे एग्जिस्टिंग सेलर्स जो कई सालों से सेल कर रहे हैं उनको तो प्रॉफिट होगा ही, पर इससे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जो नए सेलर्स होते हैं। क्योंकि नए सेलर्स जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ना सिर्फ ई कॉमर्स में, आप सभी इंडस्ट्री में देखें तो नए बिजनेस करने वालों को तो कैश फ्लो का इश्यूज़ ज़्यादा रहता है। तो इस अमेज़ॉन का नया फीस चेंजेस से तो नया सेलर को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आंसर करने का ट्राई करूँगा। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं और भी आपके साथ ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।